शब्द बोलते मेडिटेशन, पर मेडिटेशन शब्द एक इदा लगता भी जिदा ना कोई वो भी क्रिया वा भी जिदा योग करते क्रिया, पर ध्यान एक क्रिया नहीं, क्रिया नहीं ध्यान एक अजी अवस्था आ जिस अवस्था बच्च असी जाके अपने स्वयं अपने निज न अपने आपे न जानना मैं कौन हाँ। बंदा अपने आप न एक शरीर मान के बैठा तो असल च बंदा कला शरीर नहीं का, अंदर मन भी है भावनावान भी आ, अंदर होर बहुत सारे खजाने बाणी च आंदा आ, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो फल, जो ब्रह्मंड में शक्तियां ते ऊर्जा वा वो साडे अंदर वा, जिहड़ा खोजूगा पालूगा। ते अंदर जाण दे अपराले अंदर जाण दी गल ये अपने विचों किन्ने क लोकां नूं सुणी बहुत घट है ना, किन्ने क लोग जाणदे आ भी अंदर जाया जावे बहुत घट। गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज है सब किश घर में बाहर नहीं, बाहर टोलिया सो भरम भलाई, सारा कुछ साडे शरीर दे अंदर आ, सब किश घर में घर दा पर शरीर बाहर नहीं, बाहर टोलिया सो भरम भलाई, जेड़ा बंदा बाहरों लभदा भरम भुलेखिया च। ते हुण तक आपां जो भी लभदे बाहरों लभदे, पढ़ाई भी बाहरों लभदे आ, संतां महापुरशां गुरुआं ने सानूं कहा सतगुरु रविदास महाराज की बाणी आ, दुर्लभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अभिवेकै। दुर्लभ जन्म, दुर्लभ उन्हूं कहिंदे आ जिहड़ी चीज बड़ी मशक्कत नाल मुश्किल नाल मिलदी है, उन्हूं दुर्लभ कहिंदे। सतगुरु रविदास महाराज कहिंदे आ दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, भी असी पुन किते आ कि सानू ये दुर्लभ जन्म आ मनुखी जन्म मिलिया, पर वो कहिंदे बिरथा जात अभिवेकै। अभिवेकै दा मतलब हुंदा अनजाणपुणे विच, असी अनजाणपुणे विच इस नू व्यर्थ गवा रहे हाँ। अगली लाइन की आ, राजे इंद्र सामसर ग्रह आसन, राजे इंद्र दे स्वर्ग वर्गे आसन, बिन हर भगत कहो कह लेखे। हरि दी परमात्मा दी भगती तो बिना किसे लेखे विच नहीं, पर जो सतगुरु रविदास महाराज जी ने भगती दी गल कीती आ उस च ध्यान वा, वो अपने अंदर दी खोज वा, मनुख ने अपने स्वयं नूं जानना अंदर नूं जानना वा, इस तो बिना साडा जिहड़ा इत्थे जीवन जिहड़ा वा इत्थे जन्म लेना वो किसी लेखे विच नहीं। कुछ कहिंदे आ फल पायो बिरथा जात विच, असीं अनजाण पुणे विच व्यर्थ गवा रहे हाँ। पर पहले सानूं नहीं सी पता है ना, शब्द असीं सुने गुरद्वारा साहिब सुने और असी पाठियां कोलों सब सुने, पर सानूं पता नहीं। जिन्ना चिर मनुख अपने अंदर नहीं जांदा उन्ना चिर उन्हूं अपने वजूद का पता नहीं लगता, उन्ना चिर उहदा होना मान नहीं हो सकता, नहीं सुनता। मनुख का असल च मनुखी जिहड़ा जन्म आ एक बीज समान वा, एक बीज हर बीज विच पौधा बनने की संभावना, हर बीज वृक्ष बन सकता,
पर सारे बनते नहीं, बहुत सारे उन्होंने सुख सड़ जाते खत्म हो जाते। जिमें एक बोर्ड दे डक दा फल जिन्होंने गोल कहते हैं, गोल गोल दे विच 30-35-40 बीज होंगे निके निके सरों के दाने तो भी छोटे, तो उन्होंने कोई एक अद्धा जिन्हों संभावनावान मिलती वा उदा दे उगण वाली संभावनावान उदा तक का पानी उदा की धुप उदा का उन्होंने हवा उन्हें उदा की गर्मी मिलती है, तो एक अद्धा बीज वो फुटता है उंगरता वा कि वो हौली हौली वो बहुत बड़ा बूढ़ बन पाता। असल च वो जो बोर है तो बीज आ कि नहीं बीज आदि नाल के साथी जोड़े बीज से वो सुख सड़ गए खत्म हो गए, तो उन्होंने एक जिन्हों संभावनावान मिली तो बीज बोर बन पाया बोर उदा जीवन देखो जीवन उदा होना उदा वजूद किड्डा बड़ा हो गया मान हो गया। उन्ने एक बीज ने किथे आकाशां नूं छोया किड्डा उदा फलाव होया, ते उदे नाल नाल उसने दूजियां नूं भी आसरे दित्ते, पंछियां नूं आसरा दित्ता मनुख का जन्म एक बीज समान है, तो हर मनुख विच महामनुख बन की संभावना है। महात्मा बुद्ध है तो उनका जरा नया सिद्धार्थ जदों उन्हां दा वजूद उन्हां दा होना वो बीज फुटिया फुटिया अपने अंदर अपनी सुत नूं लगाया, ते ओ देखो जीवन किन्ना महान होया किन्ने लोगां नूं उन्होंने सच दा संदेश जीवन जीवन दा संदेश दिता। उन्होंने बुद्ध जी दा संदेश है उन्हें सिखाया आ अपने दीपक आप बनो, गुरु नानक देव जी बाबा बुल्ले शाह बाबा फरीद जी संत कबीर जी बहुत सारे संत हुए आ जेडे है तो मनुखी सी अपने मनुखी सी पर वो संभावनावां उन्होंने मिलिया संभावनावां नूं हकीकत विच बदलिया, उन्होंने संभावनावां नूं हकीकत विच बदलिया, ते उन्हां दा होना महामनुख महापुरश परम आत्मा जिहड़ी आत्मा आ ओह परमात्मा हो गई। तो ये जो कुछ असीं आ क्रियाकर्म करदे हां स्कूल पढ़ के सानू लगता वा भी उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है, सानू लगता चमान साहब सानू लगता वा बच्चा स्कूले भेजन नाल उसकी बुद्धि का विकास होंदा वा, नहीं अज के स्कूलों में नहीं होंदा, तो साढ़े को आम साधारण मनुख को बुद्धि है कि नहीं भला, डॉक्टर कहते हैं डॉक्टरी विज्ञान कहते हैं यूट्यूब से पवाने पुछ लो भी 1/10 बुद्धि है, 1/10 मतलब 1/10 जिन्ना साढ़े को दिमाग है दसवां हिस्सा सिर्फ दसवां हिस्सा बुद्धि आ, बाकी 9 हिस्से सुते पे आ बेहोश है 9 हिस्से दिमाग। तो बच्चे भेजा स्कूल ही वो जेड़े एक हिस्सा जा